तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का गेम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। क्योंकि इसमें मेरी कोई भी मतलब टेक्निक काम नहीं कर पा रही थी। गेम प्ले में मुझे काफ़ी मतलब मुश्किल हुई, तो इसने डार्क में छोड़ा, मैंने लावा वाउंड लिया क्योंकि मेरे पास लेजर फुल था। मैंने कहा अटैक करना चाहिए, और यहाँ पर इसके डार्क प्रिंस ने थोड़ा मारा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा डैमेज दे रहा, कोई बात नहीं। मैं अपनी लावाउंड टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना निकाली फ्लाइंग मशीन, और नीचे विल्क्री आ रही थी, मैंने उसके लिए बैट छोड़े। और यहाँ पर लावाउंड चल नहीं पाया, पर जितना डैमेज दिया ठीक था, ना से तो अच्छा था। पता नहीं इसकी फायरबॉल मारनी, इसका चार लेजर मेरे हिसाब से तो इसने वेस्ट किया, क्योंकि पीछे से इसकी वो आ रही थी फायर स्पिरिट, वो मेरे बैट्स को मार देती। और क्या फ्लाइंग मशीन क्या बोलते हैं, हाँ फ्लाइंग मशीन मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही थी। तो यहाँ पर इसने फिर से उतारा डार्क विंग्स, और फायर स्पिरिट आ रही है, बहुत डैमेज मिलेगा। मैं लामा उतारा ताकि फायर स्पिरिट का डैमेज बिल्कुल ना पड़े, लेकिन फिर मैं अपनी टेक्निक की तरफ ध्यान दे रहा था। मैंने कहा राउंड टावर को तो डिफेंस में वैसे भी नहीं कर सकता, तो मैंने कहा पुश करने पर ध्यान दो। तो यहाँ पर मेरे बीच वाले राउंड टावर पर बहुत डैमेज हुआ, लेकिन मैं अपने पुश की तरफ ध्यान था। मेरे पास लिग्जर नहीं था, वरना मैं क्लोन करता। और फिर मैंने देखा विजार्ड ने कुछ ज़्यादा ही डिफेंस अच्छा कर लिया, तो मुझे ठीक नहीं लगा क्लोन करना एंड टाइम पे। मैंने कहा वेस्ट वाली बात हो जाएगी, और उसे पता भी चल जाएगा मेरे पास क्लोन है, इसलिए मैंने किया ही नहीं। तो अब ये मेरे बीच वाले क्राउन टावर पे पुश करने की सोच रहा है, बहुत ही गंदा। और बहुत ही अच्छा पुश इसका हो जाता है फिर भी। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा था ये गेम तो भाई गया मेरे हाथ से, क्योंकि अब कोई चांस नहीं था। उसके पास फायरबॉल भी थी, और उसका भी एक क्राउन टावर भी नहीं उड़ा हुआ था, वो भी आधा पड़ा था। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, क्योंकि जब एक बार टेक्निक चलते तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है लावाउंड वाली। तो यहाँ पर मैंने किया क्लोन, मुझे लगा सही टाइम है, और यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पर क्राउन टावर भी उड़ गया उसका, उसके काफ़ी सारे ट्रूप्स को डैमेज मिल गया, और उसकी फर्डेस को भी काफ़ी डैमेज मिल गया। तो यहाँ पर मैंने छोड़ी फ्लाइंग मशीन, और यहाँ पर नीचे ये उतारा, और मैंने फायर स्पिरिट का डैमेज ताकि मेरा लैम्बरजैक बच जाए, तो मैंने इसलिए वो उतारा बेबी ड्रैगन अपना, तो उससे काफ़ी अच्छा डैमेज बच गया। तो यहाँ पर मैंने लावाउंड निकाला ताकि मेरे बाकी ट्रूप्स पे डैमेज ना जा पाए, और वैसा ही हुआ, बाकी ट्रूप्स पे डैमेज नहीं हुआ। और यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी अच्छा डैमेज कर दिया, तो तभी के तभी उसने यहाँ पर दूसरा जो उसने कार्ड उतारा है अपना, ये मैगनाइट का भी डिफेंस मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया। वो लिग्जर प्रॉब्लम में है इस समय, उसके पास लिग्जर बिल्कुल नहीं है, और मेरे पास लिग्जर है, और मैं डिफेंस भी अच्छा कर सका। तो मैंने निकाला लावाउंड, तो अब लावाउंड पे सारा डैमेज चले गया, और मैंने पीछे वही टेक्निक अपने कार्ड्स छोड़े। तो इस मेरा कार्ड्स इतने मतलब काफ़ी सारे थे, तो डिफेंस हो गया, डार्क में उसका नहीं आ पाया। तो मैंने उसके ऊपर बहुत ही गंदा पुश कर दिया क्लोन करके, और जो भी उसका कार्ड पीछे मारा था वो ऑलमोस्ट डेड ही हो रहा था। तो उसने फायरबॉल मारने की सोची, लेकिन वो थोड़ा लेट हो चुका था, और ये मैं इमोजीज बना रहा हूँ, डैब करना पड़ता है यार, मज़ा आता है। तो गाइस इम्पॉसिबल गेम प्ले था मेरे हिसाब से, तो मुझे ये लगा, आप बताना कैसा लगा आपको। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।